हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ ब्रेड रोल। तो देखिए, आलू को मैंने अच्छे से मैश करके उसमें हरा धनिया, हरा मिर्च, नमक और जो भी सामान मसाला उसमें बढ़ता है वो डाल के उसका भरता बना लिए थे। फिर ब्रेड को मैंने गीला करके उसके अंदर आलू को भरकर मैंने रोल बना लिया है। और यहाँ पर मैंने चाय को भी बनने के लिए रख दिया, कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया। तो फटाफट से हम इनको डीप फ्राई करेंगे। और चाय को भी मैंने बनने के लिए रख दिया, तो फटाफट से हम चाय बनाते हैं और ब्रेड रोल को फ्राई करते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चाय बन गई है और ब्रेड रोल भी फ्राई हो रहे हैं, और अब हम चाय को छान लेंगे और कढ़ाई में से जो ब्रेड रोल पड़े हैं इनको भी निकाल देंगे। और मैं और अभी पहले ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद और काम करेंगे। और आज अभी की बुक्स पर मुझे कवर भी चढ़ाना है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए और देखना मैंने किस तरह से अभी की बुक्स पर कवर भी चढ़ाए हैं। तो अभी ये सब करने के बाद, किचन का पूरा काम ख़त्म करने के बाद, उसके बाद हम बैठ जाएंगे बुक्स लेकर अभी की, क्योंकि उनको भी पूरा तैयार करना है बुक्स को। और ये है हमारा बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट, और साथ में सॉस भी है। तो बुक्स पर मैंने कवर चढ़ा दिया था और फिर मैंने आराम भी किया। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ, अपने बालों की चोटी बनाते हैं और अच्छे से तैयार हो जाते हैं। Thank you.
मैं बना रही हूँ आज का लंच, और लंच में मैं बना रही हूँ कटहल की सब्जी। तो देखिए, प्याज और लहसुन को साथ में मैंने पीस लिया है, सॉरी चॉप कर लिया, पीसा नहीं है, चॉपर से चॉप कर लिया है। और कुकर में तेल को गर्म होने लग दिया, उसमें खड़े मसाले डाल दिए हैं, जैसे तेज़पत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची सब डालकर उसमें प्याज और को डाल दिया है। और इसको अच्छे से प्याज को पहले भून लेंगे, और इस तरह से आप कटहल बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा बनेगा, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है इस तरह से, और बहुत ही जल्दी बनता है। और वैसे तो मैं इसको कढ़ाई में भी बनाती थी, लेकिन अब आज मैंने सोचा इसको कुकर में बनाते हैं। देखिए, प्याज फ्राई हो गया, इसमें मैंने डाला है मसाला, मसाला में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च, नमक डाल दिया है। मैं खड़े मसाले से ना सब्जी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। और फिर इसको पहले मसाले को अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद इसमें कटा हुआ कटहल डालकर भून लेंगे, फिर इसमें पानी डालकर 2 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। मसाला मैंने अच्छे से भून लिया, उसमें अब हम कटहल डाल देंगे। और कटहल ये बड़ा वाला, एक कटहल छोटा आता है, एक बड़ा आता है, और ये हम लोगों को ना बड़ा वाला कटहल पसंद है। तो ये बड़ा वाला कटहल को मैंने अच्छे से धुलकर और काटकर और फिर से धुलकर इसको मसाले में डालेंगे, और पहले इसको अच्छे से भूनेंगे, और फिर इसमें थोड़ा पानी डालकर इसमें 2 सीटी आने तक पका लेंगे। कुकर में यही है ना कि बहुत ही जल्दी बनता है कटहल, और स्वाद में भी बहुत अच्छा लगता है। और जब तक कटहल बन रहा है तब तक हम यहाँ पर सब्जी धुल देते, क्योंकि सब्जी अभी भी मार्केट से आई है, और वही है ना, सब पहले जैसा होने लगा, फिर से हमें पहले जैसा ही सब करना पड़ता है। कोई भी चीज़ मार्केट से आती है, यहाँ तक कि दूध, दही, कुछ भी आता है मार्केट से, सबसे पहले आके मैं सिंक में रख देती हूँ और नल चला देती हूँ। जब वो अच्छे से धुल जाता है फिर हम उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सब्जी को भी पहले मैंने ऐसे ही सिंक में डाल दिया था, और फिर नल खोल दिया, तो खूब अच्छे से फिर से हम इसको धुल देंगे, फिर हम इसको सूखने देंगे, फिर फ्रिज में रखें, क्योंकि अगर हम इसको गीला ही फ्रिज में रख दें तो सब्जी हमारी सड़ जाएगी एक ही दिन में। और धनिया तो वैसे भी बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। तो पहले इसको पेपर पे बिछा के पहले सारी सब्जियों को सुखा लेते हैं, उसके बाद हम फ्रिज में रखते हैं। वही है ना, जैसे तैसे तो गाड़ी लाइन पर आई थी, और धीरे धीरे, और फिर से अब वही सब है जहाँ थे, फिर वहीं पर खड़े हो गए हैं आके, तो फिर से वही सब करना पड़ रहा है, लेकिन करना भी है, ज़रूरी भी है। और देखिए कटहल कितना अच्छा बना है, और बहुत ही अच्छे से मैंने इसको भूना है। कटहल को जितना अच्छा भूनेंगे हम, सब्जी हमारी उतनी ही अच्छी बनेगी। तेल छोड़ दिया है सब्जी ने, और सब्जी बहुत ही अच्छी लग रही है खाने में भी और देखने में। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।